राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के बीच नया सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। यहां कांग्रेस की सहयोगी आरएलपी के स्थानीय नेताओं ने गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर डाली। यानी आज वोटिंग से एक दिन पहले ही ये आरएलपी कार्यकर्ताओं ने वहां कदम उठाया और इससे कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दोनों चकित रह गए। आरएलपी के बाड़मेर नेता गजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को यानी आज जो वोटिंग चल रही है उसके लिए कैलाश चौधरी का समर्थन करने की कल ही घोषणा कर दी। मीडिया को संबोधित करते हुए गजेंद्र चौधरी ने कहा कि आरएलपी ने शुरुआत में राजस्थान में इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन किया था। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र में कुछ कांग्रेस नेताओं ने इस गठबंधन का विरोध किया जिससे आरएलपी ने बाड़मेर में कैलाश चौधरी को समर्थन देने का फैसला किया। गजेंद्र चौधरी ने 2019 की घटना पर प्रकाश डाला जहां आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल पर बाड़मेर के बायतू इलाके में कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि इससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और कांग्रेस के प्रति नाराजगी और अविश्वास बढ़ गया। इधर कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश होने का शक भी जताया। सूत्रों का यह कहना है कि आरएलपी के स्थानीय नेताओं की नाराजगी के पीछे एक कारण कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बेनीवाल का चयन है जो कि पहले आरएलपी से जुड़े थे और नामांकन से कुछ दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है और वहां हमारे कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान भी नहीं। ऐसे में हमने बाड़मेर में स्वविवेक से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन दिया है। चार साल पहले 2019 में हमारे सुप्रीमो यानी हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर कांग्रेस के लोगों ने बायतू में जानलेवा हमला किया था। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और कांग्रेस के नेता अब भी इस गठबंधन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनकी नियत में खोट है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शुरू में नागौर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीटों को गठबंधन में आरएलपी को देने पर सहमत हो गई थी लेकिन बाद में उम्मीदवार बेनीवाल के साथ पर्दे के पीछे बातचीत की और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए राजी किया और इससे बाड़मेर जैसलमेर के कई आरएलपी नेता बेहद नाराज हो गए। बाड़मेर जैसलमेर में आरएलपी को जाट समुदाय का खासा समर्थन मिलता रहा है। जाट वोट इस सीट पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। कैलाश चौधरी उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र सिंह भाटी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में ये संभावना है कि जाट वोटों में विभाजन से निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र भाटी को इससे फायदा हो सकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर भाटी बीजेपी के मूल ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं और साथ ही कांग्रेस के मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को भी अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते हैं तो उनके लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है। वहीं चर्चा ये भी है कि किसी भी कीमत पर जाट वोटों के विभाजन को रोकने की कोशिश में जुटी बीजेपी एक बार फिर आरएलपी को अपने साथ लाने के लिए एक नई रणनीति तैयार कर सकती है। हालांकि ऐसी भी अटकलें हैं कि आरएलपी नेताओं ने इस फैसले के बारे में अपने प्रमुख हनुमान बेनीवाल से सलाह नहीं की क्योंकि बेनीवाल इस चुनाव में खुद कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उधर बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने आरएलपी कार्यकर्ताओं से मिले समर्थन के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया है।